नमस्कार शिक्षार्थियों, मैं डॉक्टर प्रभा ढौंडियाल, एकेडमिक कंसल्टेंट, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, आज आपसे हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिट इन टाइटोफाइट्स विषय पर चर्चा करूंगी। हेट्रोस्पोरी टाइटोफाइट्स डिवीजन में पाई जाने वाली वह प्रक्रिया है जिसमें दो प्रकार के स्पोर्स एक ही पौधे पर पाए जाते हैं, जो कि आकार, संरचना और कार्य में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। छोटे स्पोर्स को माइक्रोस्पोर्स तथा आकार में बड़े स्पोर्स को मेगास्पोर्स कहा जाता है, तथा जिन टाइटोफाइट्स में ये फिनोमिनन पाई जाती है उन्हें हेट्रोस्पोरस टाइटोफाइट्स कहा जाता है। ज़्यादातर टाइटोफाइट्स एक ही प्रकार के स्पोर्स बनाते हैं जिन्हें होमोस्पोरस टाइटोफाइट्स कहते हैं, और यह फिनोमिनन होमोस्पोरी कहलाती है। स्पोर्स जिस संरचना में पैदा होते हैं उसे स्पोरेंजिया कहते हैं, जिसे माइक्रो तथा मेगास्पोरेंजिया में बांटा गया है। माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर्स बनते हैं तथा मेगास्पोरेंजिया में मेगास्पोर्स बनते हैं। इस तरह दो प्रकार के स्पोर्स का विकास सबसे पहले टाइटोफाइट्स में ही हुआ, किंतु हेट्रोस्पोरिक कंडीशन अब केवल 9 जेनरा में ही पाई जाती है, और वो हैं स्लेजिनेला, आइसोइटिस, स्टाइलिटिस, मार्सेलिया, पिलुलेरिया, रेग्नेलिडियम, सल्विनिया, जोला एंड प्लैटिजोमा। अब आता है ओरिजिन ऑफ हेट्रोस्पोरी अर्थात हेट्रोस्पोरी की उत्पत्ति। होमोस्पोरस फॉर्म्स के अध्ययन से यह पता चलता है कि हेट्रोस्पोरी की उत्पत्ति बीजाणुधानी में बीजाणुओं की संख्या में कमी के कारण हुई। फॉर एग्जाम्पल, अगर फंक्शनल स्पोर्स की संख्या अधिक होगी तो स्पोर्स के बीच न्यूट्रिएंट्स के लिए संघर्ष होगा और डेवलपिंग स्पोर्स को न्यूट्रिएंट्स कम मात्रा में प्राप्त होंगे। इसी कारण माइक्रोस्पोर्स का निर्माण हुआ जो कि संख्या में अधिक पर आकार में छोटे थे। दूसरी तरफ स्पोरेंजिया के अंदर कुछ स्पोर मदर सेल्स डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और बचा हुआ स्पोर पर्याप्त न्यूट्रिएंट्स ले लेता है। ये स्पोर्स ही मेगास्पोर्स कहलाते हैं। ये आकार में बड़े किंतु संख्या में बहुत कम होते हैं। इस डायग्राम के माध्यम से हम यह देख सकते हैं कि हेट्रोस्पोरस कोन में माइक्रोस्पोरेंजियम की पोजीशन नीचे की तरफ तथा माइक्रोस्पोरेंजिया की पोजीशन ऊपर की तरफ कोन में होती है, साथ ही ये आकार में छोटे होते हैं। नेक्स्ट है हेट्रोस्पोरी के प्रमाण। पैलियोबॉटनिकल एविडेंसेस से यह पता चलता है कि अर्लियर वेस्क्यूलर प्लांट्स पे हेट्रोस्पोरस थे, फॉर एग्जाम्पल लेपिडोकार्पोन, लेपिडोस्ट्रोबस एटसेट्रा। स्कॉट के अनुसार क्लेमेस्टाइकस बिनियाना और क्लेमेस्टाइकस कैशियाना में भी हेट्रोस्पोरी के संकेत मिलते हैं। पहले वाली स्पीशीज अर्थात सी बिनियाना के स्पोरेंजियम में स्पोर्स कम संख्या में और टेट्राड में अरेंज होते हैं। वहीं दूसरी स्पीशीज में दो प्रकार के स्पोरेंजिया, दैट इज माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया पाए गए। इसी प्रकार के स्पोरेंजिया लेपिडोकार्पोन, कैलेमोकार्पोन और स्टोरोप्टेरिस में भी पाए गए। इन एविडेंसेस से हमें यह पता चलता है कि हेट्रोस्पोरस सिर्फ लिविंग ट्राइटोफाइट्स में ही नहीं बल्कि फॉसिल फॉर्म्स में भी पाई जाती है। हालांकि स्पोर और स्पोरेंजिया के विकास के विषय में जानकारी के अभाव में यह पता नहीं लग पाया है कि स्पोर्स या स्पोर्स मदर सेल्स की संख्या किस प्रकार घटती है। अब है एविडेंसेस फ्रॉम डेवलपमेंटल स्टडीज। स्पोरोसाइट्स के निर्माण, स्पोर के मियोसिस और मैच्योरेशन की सहायता से हेट्रोस्पोरी के विषय में सटीक से पता चल पाया है। स्लेजिनेला, आइसोइटिस, मार्सेलिया, सल्विनिया आदि में माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम का प्रारंभिक विकास स्पोरोसाइट्स निर्माण तक एक समान होता है। स्लेजिनेला नामक टाइटोफाइट में माइक्रोस्पोरेंजिया के सभी स्पोरोसाइट्स में मियोसिस होने के कारण बड़ी संख्या में माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक को छोड़कर समस्त मेगास्पोरोसाइट्स अबॉर्ट हो जाते हैं और बचे हुए मेगास्पोरोसाइट में मियोसिस के कारण चार बड़े फंक्शनल मेगास्पोर बनते हैं। अतः इस प्रकार डेवलपमेंटल स्टडीज से यह पता चलता है कि हेट्रोस्पोरी मियोसिस से पहले जैसे कि स्लेजिनेला में या मियोसिस के बाद जैसे कि मार्सेलिया में क्रियान्वित होती है। नेक्स्ट, एविडेंसेस फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। स्लेजिनेला और मार्सेलिया पर की गई एक्सपेरिमेंटल स्टडीज से यह पता लग पाया कि हेट्रोस्पोरी का उद्भव न्यूट्रिशनल फैक्टर्स के कारण हुआ। यह देखने में आया कि अगर स्लेजिनेला की प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया को यदि धीमा कर दिया जाए तो माइक्रोस्पोरेंजिया का निर्माण होता है। फोटोसिंथेसिस में कमी के कारण स्पोर्स को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता, जिससे वे साइज में बड़े नहीं हो पाते। अतः ऐसी अवस्था में माइक्रोस्पोर्स का निर्माण होता है। ऐसा ही प्रयोग शटक द्वारा मार्सेलिया पर किया गया। लाइट, टेम्परेचर और न्यूट्रिएंट की मात्रा बदलने पर उन्होंने पाया कि जो पौधे उपयुक्त अवस्था में रखे गए उनमें स्पोर्स का साइज 16 गुना बड़ा पाया गया। वहीं लाइट, टेम्परेचर और न्यूट्रिएंट्स की
अनफेवरेबल कंडीशन देने में छोटे मेगास्पोर का निर्माण बड़ी संख्या में हुआ, परंतु इन स्पोर्स को जर्मिनेट नहीं किया जा सका, जिससे कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। अब आता है सिग्निफिकेंस ऑफ हेट्रोस्पोरी, यानी हेट्रोस्पोरी का महत्व। हेट्रोस्पोरी सेक्स डिटर्मिनेशन को दर्शाता है, क्योंकि माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट बनता है जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं, और मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट में विकसित होता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि स्पोर के साइज में अंतर गैमेटोफाइट के लिंग का निर्धारण करता है। होमोस्पोरस जेनरा में सेक्स डिटर्मिनेशन यानी लिंग निर्धारण गैमेटोफिटिक स्टेज पर होता है, जब उसमें एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया बनते हैं। लेकिन हेट्रोस्पोरस जेनरा में ये निर्धारण स्पोरोफाइट स्टेज में स्पोरोजेनेसिस के टाइम पे होता है। हेट्रोस्पोरी का जैविक महत्व यह है कि हेट्रोस्पोरस पौधे में गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट एंडोस्पोरिक होता है, अर्थात स्पोर स्पोरेंजियम के अंदर ही जर्मिनेट होता है और उसी से अपना पोषण प्राप्त करता है। यह अपने पोषण के लिए बाहरी वातावरण पर निर्भर नहीं करता है, जैसा कि इंडिपेंडेंटली ग्रो होने वाले गैमेटोफाइट्स के केस में होता है, जिसे अपना और डेवलपिंग एम्ब्रियो का भोजन खुद ही तैयार करना होता है। हेट्रोस्पोरी सीड हैबिट के उद्विकास के लिए एक चरण है। जैसा कि हम अब जान चुके हैं कि कुछ पौधों में दो प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, जो मेल या फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। इन पौधों में सिंगल मेगास्पोर मेगास्पोरेंजियम से अलग नहीं होता, बल्कि उसी के अंदर जर्मिनेट होता है और फीमेल गैमेटोफाइट न्यूसिलस का निर्माण करता है, जिसमें आर्चिगोनिया होती है। ये न्यूसिलस और गैमेटोफाइट इंटेग्रमेंट नाम की कवरिंग से कवर्ड होते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर ओव्यूल कहलाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल के अंदर का जायगोट एम्ब्रियो का निर्माण करता है, और शेष गैमेटोफाइट जिसमें एंडोस्पर्म और इंटेग्रमेंट होता है सीड कोट का निर्माण करते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर सीड अथवा बीज कहलाता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि सीड हैबिट के लिए जो महत्वपूर्ण कारक होते हैं वह हैं हेट्रोस्पोरी का इवोल्यूशन, अर्थात दो प्रकार के बीजाणुओं यानी स्पोर्स का निर्माण होना, दूसरा फीमेल गैमेटोफाइट बनाने के लिए मेगास्पोर का जर्मिनेशन और मेगास्पोरेंजियम में एग का फर्टिलाइज होकर एम्ब्रियो बनना, तीसरा मेगास्पोर के शीर्ष का माइक्रोस्पोर को ग्रहण करने के लिए बड़ा होना, चौथा मेगास्पोरेंजियम का एपेक्स को छोड़कर इंटेग्रमेंट से कवर होकर माइक्रोपाइल का निर्माण करना। स्लेजनेला नाम के टेरिडोफाइट में निम्न कारण से सीड हैबिट प्रदर्शित होती है, जो कारण है इसका हेट्रोस्पोरस होना, मतलब इसमें दो प्रकार के स्पोर्स का बनना, दूसरा मेगास्पोर का मेगास्पोरेंजिया में ही जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाना, तीसरा जो है एस रिप्रेस्ट्रिस और एस मोनोस्पोरा जो स्लेजनेला की दो स्पीशीज हैं, इनमें मेगास्पोर की संख्या घटकर एक रह जाती है। एस रिप्रेस्ट्रिस में मेगास्पोर कभी भी गिरता नहीं, बल्कि फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो फॉर्मेशन मेगास्पोरेंजियम के भीतर ही होता है। हालांकि इस स्पीशीज में सीड डेवलपमेंट को ट्रू सीड हैबिट नहीं कहा जाता है, क्योंकि मेगास्पोरेंजियम इंटेग्रमेंट्स द्वारा कवर्ड नहीं होता। मेगास्पोर के मेगास्पोरेंजियम में स्थायी रूप से रहने के प्रमाण नहीं मिलते हैं। मेगास्पोर तथा मेगास्पोरेंजियम के बीच ऊतकीय संबंध यानी कि हिस्टोलॉजिकल रिलेशन एब्सेंट होता है, साथ ही एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद रेस्टिंग पीरियड का अभाव होता है। तो शिक्षार्थियों, यह लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आप हेट्रोस्पोरी को अच्छी तरह समझ पाए होंगे। धन्यवाद।